तो फ्रेंड्स आज है हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस पानी के अंदर। अगर आपने मेरा पार्ट बंद देखा है तो उसमें मैं सारी मूवमेंट बाहर बताई कि जो बिगिनर है उन्होंने हैंड मूवमेंट चलानी तो कैसे चलानी है। सबसे पहले मेरे कान में पानी घुस गया, अगर आपके कान में पानी घुस जाए आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, देखो अभी कान में पानी निकल गया, ठीक है ऐसे निकल जाता है, ठीक है ऊपर से मारो, ठीक है दूसरे कान को पकड़ के आप ऐसे करो तब भी पानी निकल जाता है, अगर फिर भी ना निकले ऐसे लेके दो बूंदे कान में डाल के ऐसे करो तब भी निकल जाता है पानी, ठीक है। अभी मेरे कान में पानी पड़ गया था, निकल गया, क्योंकि मुझे समस्या रहती है, क्योंकि कि ब्रीथिंग करते समय मेरे नाक में पानी चला जाता है, ठीक है नाक में पानी चला जाता है तो क्या करना है। एक्चुअल में नाक में पानी जाने के कारण क्या होता है, आप पानी के अंदर जाके ब्रीथिंग करते करते रोक लेते हो, रोकना नहीं है, करते करते और रोकते रोकते आना है, ठीक है समझ में। तो सीन क्या है, सीन क्या है कि जब आपने हैंड मूवमेंट करने हैं जो मैंने बिगिनर्स के लिए है, देखो तो मैंने अब गोडे लगा रहे चाल में मेरा मोटा पेट ना आपको दिखे। देखो हैंड मूवमेंट है जैसे स्नेहा जी गलती करते हैं, मोस्टली बिगिनर हर कोई यही गलती करता है, जो हैंड है ना ये वाला ये पानी में ऐसे करके सीखते हैं जिसकी वजह से प्रेशर नहीं लगता, ऐसे जोर नहीं लगता और ये ऐसे करके निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है कि जोर नहीं लगता, आपकी बॉडी आगे नहीं बढ़ती, ये हैंड मूवमेंट है ना कि उसको ऐसे करके सीखते हैं इससे पूरा आपका प्रेशर लग गया, ठीक है ये मूवमेंट करके ऐसे, ठीक है ना। मैं सीधी खींच रहा हूँ, सीधी इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि मैं बैठा हूँ, पर हम जब लेटे होंगे फ्लोटिंग करेंगे तो देखो मेरे पैर पर कुछ नहीं चलाऊँगा, अकेला हैंड ही चलाऊँगा, उससे आपको क्लियर दिखेगा। तो अब देखो मैं अकेली फ्लोटिंग के साथ अकेला हैंड चलाऊँगा, जब आप फ्लोटिंग कर लेते हो हैंड कोई कितनी कोई कुछ नहीं चलाऊँगा क्योंकि आपको दिखेगा क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए देखो फ्लोटिंग होता क्या है, काफ़ी जन कहते हैं कि लैग मूवमेंट नीचे चली जाती है, स्वाभाविक नीचे जाएगी, तो आपको करना क्या है लैग मूवमेंट के साथ हैंड मूवमेंट देखो, एकदम स्मूथ चलानी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सीधा रख के चला रहा हूँ, यहाँ रीज़न क्या है मैं किक मूवमेंट फास्ट नहीं कर रहा, प्रैक्टिस करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, एक आपका ये वाला एंगल ऐसे ना मुड़े जैसे स्नेहा जी कल मोड़ रहे थे, जब ये पानी में एंगल मुड़ जाता तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, तो ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे ये पानी में पूरी बाजू ऐसे आएगी, ठीक है ऐसे, एक्चुअल में तो ये ऐसी चलती है बाजू ऐसे पूरी साथ, ठीक है ऐसे, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपकी स्पीड बढ़ती है जिसकी वजह से आप आगे जा पाते हो और पैनिक नहीं होना, आप एक हाथ मारो उसके साथ ही सांस ले लो, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं आती तो आपने सीधी चलानी है, टेडी करने की जरूरत नहीं है, टेडी बाद में करना, आपने सीधी राउंड करनी है जिससे आपकी प्रैक्टिस आ जाए, ठीक है। पर क्या होता है कि जब आप बाजू बाहर ले आके सीधी ऐसे पानी में डुबोते हो तो जब आपकी बाजू ऊपर होती है ना तो आपकी बॉडी नीचे जाती है क्योंकि बाहर का वजन ज़्यादा हो जाता है, जब आप निकालते हो ना इसको सीधी लिया, इसको फोल्ड करके लूज छोड़ के फोल्ड करके लेके आओ, लूज ये ऐसे आ लूज, देखो बड़े आराम से आती है ये पीछे जाती है, ये लूज इसकी आप पानी में खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी ऐसे मैं बड़ी स्लो चला रहा हूँ तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा, पर अगर इसी को स्पीड में चलाऊँगा ऐसे मैं अपने आप आगे जाऊँगा, मतलब कि मैं प्रेशर से चलाऊँगा तो मैं मेरी बॉडी आगे आएगी आएगी, ठीक है। तो अब सीन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस ये पकवा है बाहर प्रैक्टिस करनी है, आपने ऐसे खड़े हो जाने, ठीक है हैंड मूवमेंट दोनों सीधे रख लेने, ये ठीक है ये आया, मैं हैंड मूवमेंट पानी में ऐसे करके लेके जाता हूँ, जब ये पानी में चले जाते सीधे कर देता हूँ, ठीक है। और कोशिश करनी है कि बाजू में पानी में बाजू यहाँ ना डूबे, आगे डबो जितना आगे डबोगे, ठीक है ये हैंड को हैंड रख के ये जाएगा, ये जब ये प्रैक्टिस करोगे खड़े होकर प्रैक्टिस फेस अंदर करना आपने, सीन क्या करता हूँ ये बाजू जब चलाते हो ना सीधे ऐसे करके नहीं लेके आने, ऐसे एक तो प्रॉब्लम होती है बॉडी नीचे चली जाती है, दूसरी बात कि इसमें जब हम पानी में ऐसे डुबोते खाप ऐसे बजती है। अब देखो
ऐसे आराम से लेके आओ ठीक है, आराम से पानी में क्या सीधा पानी में सीधा क्या। एक तो ये है कि आप इसको ऐसे लेके जा सकते हो, दूसरा है जब ये सीधा आता ना इसको हल्का पानी में डोगे सीधा करते ठीक है ना, एक ये आते सीधा सीधा ये हल्का सा पानी में जाता है सीधा होता है। अब इधर से देखो ये खींचा मैंने ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे फोल्ड करके लेके सीधा, ये यहाँ ये सीधा इसको यहाँ नहीं डुबो रहा, यहाँ डुबो के नहीं सीधा कर रहा, इसको मैं आगे डुबो रहा हूँ हल्का सा जैसे पानी में गया सीधा पानी में गया सीधा ना, ये एंगल मोड़ रहा है, ये एंगल भी मोड़ना नहीं है ठीक है ना, इसको ऐसे खींचो पीछे तक, जब ये पीछे जाता है ना बॉडी ऐसे सीधी नहीं जाती, टर्न हो जाती है, टर्न होने की वजह से स्पीड तेज़ हो जाती है ठीक है। ये देखो पीछे गया, ये मेरी बॉडी टर्न है, ये फिर ये टर्न फिर ये टर्न, इससे एक तो आपको सांस लेने में आसानी रहेगी, दूसरी बात कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज रहेगी जब बॉडी चलते ना स्विंग, ये शोल्डर चलते ना ऐसे कट 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 ठीक है। अब आपने सांस लेना हो कैसे लोगे, देखो हल्का सांस छोड़ना है, नाली नाली आप निकाल देखो, इससे सांस लेने में आसानी होती है। अब ये साइड मूवमेंट में दिखाता हूँ, देखो अब ये हैंड मूवमेंट के साथ कैसे होगा, देखो हैंड मूवमेंट बॉडी ब्रीथिंग के अंदर इतनी स्टोर करनी है कि ना ज़्यादा थ्रो हो ना ज़्यादा इन हो। तो क्या करें, स्नेहा जी की गलती क्या करते हैं, आप क्या गलती करते हो, ये बॉडी बबलिंग करके बाहर आते हैं तो इतना बाहर आके मुंह बंद ही होता है, बाद में मुंह खोलते हैं, कैसे करते हैं देखो इतना मुंह बाहर रखते हैं, ये नहीं कि मुंह बाहर जैसे आया नाली खोल लो, देखो बेटा जैसे जैसे ही मुंह पानी से बाहर आता है तुरंत मैं खोल लेता हूँ सांस ले लेता हूँ, ये क्या करते हैं, ये सांस नहीं लेते, ये ऐसे छोड़ देते हैं, ये गलती होती है बिगिनर्स की ठीक है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे सारी क्लीन हो जाएगी, हैंड मूवमेंट समझ में आएगी क्लियर, ये मूवमेंट पूरी ऐसे प्रैक्टिस करोगे ये आ जाएगी पूरी आराम से ठीक है। तो इसको मैं आराम से लेके आ रहा हूँ, ये आराम से ठीक है, इसको मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ ना, ये सीधी ऐसे थप थप मार रहा हूँ आराम से स्मूथ। चलो एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे पानी के अंदर जाता हूँ तो मैं ब्रीथ आउट करने लग जाता हूँ, जैसे मेरा कल्ला फेस बाहर आता है तो तुरंत मैं सांस ले लेता हूँ फिर पानी के अंदर ब्रीथ आउट ठीक है ना। आप क्या करते हो, पानी के अंदर जाके जब सांस रोकते हो ना तब हल्का सा पानी अंदर चला, सीन ये रोकना ही नहीं है, आपने नॉन स्टॉप थ्रो करते रहना है ठीक है, और ज़ोर से नहीं करना, नॉर्मल जैसे सांस रोकते हैं ऐसे ही देखो मैं बड़े आराम से करूँगा, और ब्रीथ देखना मेरा कला फेस बाहर आएगा। और स्नेहा जी क्या करते हैं, ये देखो आपकी गलती बता रहा हूँ, आप ब्रिज छोड़ते जी स्टार्टिंग में, जब आपको प्रैक्टिस आती है तो कंफर्टेबल जैसे आए ना मुंह से पानी से जैसे ही बाहर आए ना तभी सांस लो, और जरूरी नहीं आपने खींचते जाना है, बस थोड़ा रहो, पूरे फेफड़े नहीं बने, बस जितना ले गया ले गया, ज़्यादा नहीं बना, ओवर नहीं करना, नॉर्मल रखना, ना नॉर्मल ओवर थ्रो करना है ना ओवर लेना है, ओवर लोगे तो ज़्यादा जल्दी थ्रो होगा, अगर नॉर्मल लोगे नॉर्मल छोड़ोगे तो आपको सांस ही नहीं चढ़ेगा। अब मुझे कमेंट आ रहा था भाई मेरे नाक में पानी जा रहा है बार बार, भाई पानी जा रहा है क्योंकि आपकी ब्रीथिंग की प्रैक्टिस नहीं है, तो ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करो पानी जाना दूर हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितने कम पानी में, मतलब कि जैसे कल फेस बाहर आएगा तो मैं आपको सांस लेकर दिखाऊँगा। चलो दिखाओ क्या करना है, पहला कि आप कोशिश करो कि आपके पानी इतना इतना रहे, मैं कम इसलिए हूँ कि आप क्लीन दिखें
और उधर बहुत ज़्यादा गहराई है, मतलब कि उधर बहुत ज़्यादा लोग तैर रहे हैं, छोरा है। देखो ब्रीथिंग करते समय जैसे ही फेस बाहर आता है आप तुरंत सांस लेने स्टार्ट करो। इसकी जितनी ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा आ गया आपको शक्ति आ गया, कोशिश करो जितना डीप में आप जाके प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट होगा, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा, मैं आपको दिखाता हूँ। हमें लेट के उल्टी कर रहा, उल्टी नहीं उल्टी सुन नहीं कर रहा। समझ में आ गया सीन क्या है? ब्रीथिंग करनी है, जब पानी के अंदर सांस है तो ब्रीथिंग करनी है। अगर ब्रीथिंग करते करते आप रोक लोगे तो नाक में पानी जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई कमेंट आया या कोई आपकी परेशानी या दिक्कत है, अगर बिगनर हो तो छोटी मोटी दिक्कत आपकी प्रैक्टिस से दूर होगी, जितनी मर्जी बड़ी हो, ठीक है। तो अगर बाई चांस आपको डर लग रहा है उससे पीछे वाला स्टेप करके फिर 11 स्टेप पे आ जाओ। अगर बाई चांस 11 स्टेप आपका मिस हो जाता है, जैसे स्नेहा जी का अगर आपने पार्ट 5 देखा होगा तो उसमें आपको दिखा होगा। अभी स्नेहा जी अभी हैंड मूवमेंट पे आएंगे, तो हैंड मूवमेंट आसान है। घर में आप अगर आपके पास टूल नहीं तो आप सिंपल ऐसे याद रखें, सिंपल ये वाली प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। पर इसमें याद रखें जब ये वाली प्रैक्टिस करोगे तो शोल्डर सीधे मत रखना, क्योंकि जब सीधे रखोगे तो बाजू बाहर से ही आएगी, ठीक है। अगर आप इसको पूरा पीछे करके लेके आएंगे, होल्ड करके लेके आओ, ये होल्ड कान के पास ले, कान के पास ले, सीधा करो इजीली। इसकी घर में प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ये पूरा पीछे के जैसे खड़े होकर करना 50 टाइम, ठीक है। फिर बैंड हो जाना, बैंड होने के बाद आपको फेस नीचे रखना है, पूरा नीचे करना है, पूरा पीछे तक गया, ठीक है, पीछे तक गया, पीछे तक गया, ठीक है। इसको देखो ये हैंड मूवमेंट मेरे, देखो ऐसे चल रहे ना, ये ऐसे नहीं चलेगा, पूरा एकदम शोल्डर ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। ऐसे पीछे तक जाएगा, यहाँ से फोल्ड होकर आएगा, पीछे तक जाएगा, फोल्ड होकर आएगा, पूरा जब जो पूरा टर्न होता है ना। और हाँ, जब बाजू जाएगा ना तो बाजू की शेप ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये बाजू की सीधी होनी चाहिए। क्योंकि जब ये पानी में हम डुबोते हैं ना तो इसको सीधा खींचना है, ऐसे सीधा, ठीक है ना। ना तो ये नीचे होनी चाहिए, ना तो ये ऊपर होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, जिसकी वजह से एकदम स्मूथ स्विमिंग होती है। चलो स्विमिंग करके दिखाते थोड़ी सी आपको। एकदम स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ, कोई ऐसे पानी की छप छप नहीं, कोई कुछ नहीं। और स्पीड भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, स्पीड रखो कि नॉर्मल है, ना मेरा जोर लग रहा है, ना ज़्यादा सांस चढ़ रहा है, ठीक है, नॉर्मल है। अगर इसकी मैं स्पीड तेज करूँगा, किकिंग तेज करूँगा तो मेरा सांस भी चढ़ेगा और स्पीड तो खैर तेज हो ही जाएगी, क्योंकि टेक्निक के साथ होती है। पर मुझे अभी आपको सिखाना है, रेस नहीं करनी। पर अगर आप यही चीज़ टेक्निक सीख जाते हो तो आप तेज तैरते हुए भी स्मूथ लगोगे। तो लेग मूवमेंट मैं बता देता हूँ स्नेहा जी आपके लिए, देखो आप गलती क्या करते हो पैरों में कि पैर ऐसे होते हैं आपके और आपको पता ही चलता। ये लेग मूवमेंट ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना। और जब स्विमिंग करोगे तो हल्का फोल्ड होगा होगा, बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगी। मैं डबल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें दिखेगा नहीं, एक्चुअल में स्पीड क्या चलेगी देखो। ये स्पीड चलेगी तो थाइस में पूरा प्रेशर आएगा, इस पार्ट में पूरा प्रेशर आएगा, पूरा ज़्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है। पर आपकी स्पीड भी होगी, सांस भी चढ़ गया, स्टमक का भी जोर लग गया। अगर आपने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की तो पानी में तो नहीं पता चलेगा, पर घर जाके जो आपकी थकावट होगी, डाइट सही ले लेना, बिरयानी शीट पी लेना, अंडे खा लेना, अगर अंडे खाते हो नहीं तो पनीर खा लेना, चने खा सकते हो उबले हुए, या स्प्राउट्स खा लेना, ये चीज़ें अच्छी होती हैं स्विमिंग करने के आधे घंटे के अंदर अंदर।
अगर आपने वेट लूज़ करना है तो काप्स लो, फिर मत खाओ इसको, थोड़ा 2 घंटे के शिफ्ट कर दो, जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ा जो एफर्ट चाहिए आपका मसल नहीं फूलेगा, पर हल्का सा वेट लूज़ हो जाएगा। पर हल्की चीज़ लेना, हैवी चीज़ मत लेना। अगर आपने वेट लूज़ करना तो पनीर मत खाना, और खाना भी तो बहुत कम क्वान्टिटी में, जिसमें आपके अंदर कमजोरी ना आए, फिर फैट लॉस हो, ठीक है। तो चलो अब आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कोशिश है कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। बाकी आज स्नेहा जी ने शूट किया है, मस्त आपको समझ में आ गया सारा। तो बाय फ्रेंड्स। और हाँ, जो पूछते हैं ना ये पूल कहाँ है, कुरुक्षेत्र हरियाणा इंडिया में पड़ता है भाई, सर्च मार लो ना मैप पे जाके कुरुक्षेत्र स्विमिंग पूल, तो ये वाला है नितिन वाली वाला, ठीक है, सेक्टर 10 में पड़ता है। तो बस आज के लिए इतना काम, बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो।